Hey there, Louise, how are you all? Happy full moon day to everyone, to all my viewers. Guys, आज आप लोगों को करना है बेलीफ रिचुअल, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फॉर योर विश, फॉर योर मैनिफेस्टेशन. आपको ज़रूर आज बेलीफ रिचुअल करना है. साथ ही साथ अगर आप लोगों के यहाँ पे दिया दान किया जाता है तो ज़रूर 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 करें. मेजर लोगों के यहाँ होता होगा, आई एम डैम श्योर, एंड सबके यहाँ ही होता होगा, बट यू नो देर आर पीपल जिनके यहाँ नहीं होता है, तो कोई इशू नहीं है. बेलीफ रिचुअल आज ज़रूर करें. साथ ही साथ कोशिश ज़रूर करें कि आज आप सब लोग अगर टेक्निक्स नहीं कर पा रहे हैं, रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बिजी हैं, या ये फुल मून एनर्जीज़ पर यू नो पॉजिटिवली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आज रात को 8 बजे जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आप सब लोग प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा. ये मेडिटेशन सबके लिए है. ये स्पेल पोस्ट करने वाली हूँ मैं फुल मून का, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ. पहले लेंगे हम एंजल्स का गाइडेंस, उसके बाद टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ये फुल मून आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा होने वाला है. ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव लेकर आने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, और हम पहले एंजल्स से जानेंगे कि वो हमें क्या इंडिकेशन देती हैं, क्योंकि आपको एंजल्स हर रूप में दिखती हैं, नंबर्स के थ्रू, साइन सिग्नल्स के थ्रू, हर तरफ से एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने की तो कोशिश करती ही करती हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आज रीडिंग्स की तरफ. तो थिंक अबाउट योर पार्टनर. आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, अपने क्रश के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके साथ अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचेंगे. चलिए लेते हैं डिवाइन का गाइडेंस और देखते हैं कि एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं. कौन सा एक संकेत एंजल्स आप तक पहुँचाना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप के लिए. वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, डेली गाइडेंस अपडेट रेमेडीज रीडिंग्स के लिए. साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या जब भी मैं कोई भी अपडेट डालूं, सबसे पहले वो आप तक पहुंचे. चलिए डिवाइन गाइड करें व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है. जितने भी मेरे प्यारे से व्यूवर्स रीडिंग्स देख रहे हैं, उनके लिए रिलेशनशिप का क्या एक गाइडेंस है, क्या एक संकेत है, प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए और बताएं कि क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए. ओके, पहला कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. नेक्स्ट कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी. एंड थर्ड कार्ड आया है दैट इज इम्प्रूविंग हेल्थ. बॉटम डेक दैट इज वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन. ओके, आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के लिए ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं, और आने वाले कुछ हफ्तों में आपके रिलेशनशिप में आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है. जी हाँ, आने वाले कुछ हफ्तों में पहला कार्ड ही एंजल्स का ये आ गया है रिलेशनशिप के टर्म्स में, या जिस पर्सन के साथ आप अपनी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको अपना रिलेशनशिप इनके साथ या तो बेटरमेंट पे दिखेगा, किसी कंक्लूजन पर दिखेगा, कुछ डिसीजन बना सकते हो आप, क्योंकि ये एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपका और आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, नए गोल्स की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, नए चेंजेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है. अगर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग बनाकर रखी हुई है, या बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, तो मैं क्लियरली बोलूँगी थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, ज़्यादा एंशियस ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, चाह रहे हैं, आने वाले कुछ हफ्तों में आपको उसका नतीजा मिलने वाला है. और आप में से कुछ लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये फुल मून कुछ हफ्तों में रिलेशनशिप को तो हील कर ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड आप में से बहुत सारे लोग मुझे कुछ प्रॉपर डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. और मुझे लगता है ये डिसीजंस आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं. रीज़न बिहाइंड अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और जो आपके आने वाले रिलेशनशिप को ठीक करने वाले हैं. सो भाई बधाई हो आपको बहुत बहुत, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बहुत अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है. एंजल्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है, एंजल्स का क्लियर मैसेज आ रहा है कि कुछ हफ्तों में आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी प्रकार का पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव आ रहा है, जो चीज़ों को ड्रास्टिकली बदलने वाला है, फेवर में लेकर आने वाला है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोलें और रीडिंग्स को क्लेम ज़रूर करें.
चलिए लेते हैं टारो के थ्रू गाइडेंस और देखते हैं कि ये फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है उनके रिलेशनशिप के टर्म्स में। ये फुल मून मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है रिलेशनशिप के टर्म्स में। ये फुल मून आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या लेकर आने वाले हैं। ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में कौन सा एक चेंज, कौन सा एक बदलाव, कौन सा एक सिनारियो को पुट अप कर रहा है और कौन से बदलावों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। नो मैटर आप कम्युनिकेशन में हैं या आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ये फुल मून कौन सा एक ड्रास्टिक बदलाव और ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहा है। चलिए लेते हैं गाइडेंस, कार्ड्स निकालेंगे। पहला आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इट्सेल्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एक और निकालूंगी द टावर, एंड बॉटम डेक वी हैव द चैरिट। ओके, मैंने ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं। जी हाँ, मैंने जानबूझकर आज ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड द चैरिट। ओके, सबसे पहला मैसेज ही हमें एंजल्स ने दे दिया था कि आने वाले कुछ हफ्तों में रिलेशनशिप में कुछ बदलाव होंगे या कुछ चेंजेस होंगे, और ये मैसेज पहला ही देख गया है कि किसी प्रकार का ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि पार्टनर खुद इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, पार्टनर खुद इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, पार्टनर खुद एफर्ट्स लगाते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पिछला कुछ समय आप लोग के रिलेशनशिप का ऐसा गया हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग्स हुई हों, टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हो, जिस तरीके से आपके पार्टनर को डिसीजंस बनाने हों उन्होंने नहीं बनाए हों। मेहनत तो इन्हें रिलेशनशिप में देखो बहुत करी है, ट्राई ये बहुत करना चाह रहे हैं, आने वाले टाइम में भी इनकी तरफ से ये उम्मीद दिख रही है कि मैं तो होप्स नहीं खोऊंगा या मैं चीज़ें बेटर करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपनी तरफ से 100% लगाकर चीज़ों को अपने लिए और इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ ठीक करूंगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर डिज़ायर कर रहे हैं, रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, फिर से सामने से हाथ बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटपुट भी देखोगे, क्योंकि इसी मैसेज के साथ ही साथ ये भी आया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ वीक्स में चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो एंजल्स का क्लियर मैसेज है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है राइट नाउ, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, और अंदर ही अंदर डीप डाउन आपके साथ फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को हील करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों में एफर्ट्स लगाना है, वो एनर्जी भी इनके अंदर दिखाई दे रही है। बट डीप डाउन आज भी भली इनके अंदर वो एनर्जी है कि मुझे ठीक करना है, एफर्ट्स लगाना है, एक चार्म वाला स्पार्क है या वो मैच्योर वाली एनर्जी है, बट डीप डाउन जो भी सब गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव करने की कोशिश करी, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी, उस वजह से कहीं ना कहीं ये आज भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कैसे कन्फ्रंट करूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसे ठीक करूँगा या करूँगी जो भी पास्ट मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में हुई हैं। लेकिन ये फुल मून का सबसे अच्छा चमत्कार ये दिखाई दे रहा है कि अब बस इनको दौड़ कर आपके पास आना है, सब कुछ जितना भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, गलत वे में गई हैं, नेगेटिव हुई हैं, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है क्लियरली कि नहीं, अब तो मुझे आना है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है, चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों में अपना 100% देना है। अब इनके अंदर वो ना जो एक स्पार्क छुपा हुआ था चला गया था, एक वो जो अफेक्शन, जो प्यार जो चला गया था, अब वो उनके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड रियलाइजेशन अब हो रहा है,
समझ में आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे हील करना है, उस एनर्जी को डीप डाउन ये पर्सन समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जितनी भी सिचुएशन, भली वो थर्ड पार्टी की वजह से गलत हुई, चीज़ों में एक नेगेटिव फेज़ आया जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुआ, बट अब एक पूरा उत्साह इनके अंदर दिख रहा है कि नहीं, मुझे जाना है, बातचीत करना है, रिजॉल्व करना है, और पूरी इनिशिएटिव लगाकर वापस से इस रिलेशनशिप को हील करना है, इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। और मुझे क्लियरली समझ में आता है कार्ड्स को देखकर कि जो चीज़ें जैसी हो रही हैं, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, राइट, उसको वैसी चलने दो। चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेटिंग या चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत फील करो, ठीक है। बट ये फुल मून की एनर्जीज ना बहुत स्ट्रांग होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो हम एक गाइडेंस एंजल से ये भी ले लेते हैं, ठीक है, एंजल से ये भी ले लेते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। ये पर्सनली फुल मून है, इसलिए मैं आप सब लोग को एक पर्सनल गाइडेंस देना चाह रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। कोई एक नंबर चूज करो जल्दी जो आपके मन में है। 1, 2, 3, 4, 5, कोई एक नंबर चूज करो जल्दी। 3 बार इनहेल एक्सेल करो फटाफट, और जो नंबर हाइलाइटेडली आ रहा है माइंड में, अगर किसी के लिए 2 नंबर्स भी आ रहे हैं, लाइक 1, 5 या 1, 3 या 2, 5, 2, 4, कोई 2 नंबर या कोई 1 नंबर चूज़ करो। कोई 1 चूज़ करोगे तो क्लियर मैसेज मिलेगा और अच्छा गाइडेंस मिलेगा। सो चूज़ बिटवीन 1 to 5, कौन सी एनर्जी हाइलाइटेड हो रही है, कौन सी एनर्जी आपको मैसेज देना चाहती है, कौन सा एक संकेत आप तक पहुँचना चाह रहा है। और मैं आपको बताऊँगी इस समय पर एंजल्स आपको कौन सा एक इंडिकेशन दे रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या क्या एक इंडिकेशन दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए, चूज़ कर दिया सब लोगों ने, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक नंबर चूज़ करने को बोला है मैंने। 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक नंबर चूज़ करने को बोला है मैंने आप लोगों को, कोई एक नंबर चूज़ करना है। ओके, आई होप चूज़ कर लिया होगा। चलिए, पहला मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1। चलिए, जिसने पाइल नंबर 1 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, जिसने पाइल नंबर 1 ऑप्ट करा है, पाइल नंबर वन के लिए क्या मैसेज है उनके रिलेशनशिप के लिए, क्या करना चाहिए सिचुएशन में। पाइल नंबर वन, चलिए, पाइल नंबर 1 चूज़ कर लिया, पाइल नंबर 1, कम ऑन, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज आ गया है। टाइम टू टेक एक्शन, गेट पैशन फॉर अ कॉज, नोइंग जस्ट वॉट टू डू। ओके, तो आपके लिए जो मैसेज आया है, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, बिल्कुल एक चार्म अपने अंदर रखना पड़ेगा। नो मैटर कितनी भी चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप में ख़राब हुई हैं, नेगेटिव हुई हैं, वर्स्ट गई हैं, डिवाइन का इंडिकेशन है रिलेशनशिप को लेकर आप एक्शंस लीजिए, मैनिफेस्टेशन फास्टन करिए, पॉजिटिव एनर्जी पर वर्क करिए। बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन में हिम्मत रखनी है, पॉजिटिवली बात करना है, पॉजिटिव अप्रोच लेकर आना है, गुस्सा नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना है। जिन लोगों ने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है, इट्स हाई टाइम टू मेक योर एनर्जी पॉजिटिव एंड सी द चेंजेस, क्योंकि आप उनमें से हो सकते हो जिनको आने वाले अगले कुछ हफ्तों में पॉजिटिव चेंजेस दिखे। तो इफ़ यू आर पाइल नंबर वन, आई विल इंडिकेट दिस कि जितना हो सका उतना पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, गुस्सा नहीं करना है, स्पेशली आने वाले नेक्स्ट 15 डेज जितनी हाई एनर्जी रहेगी उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। चलिए, नाउ फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर टू ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर टू ऑप्ट करा है, ओके, इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेज ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। ओके भाई, आप लोग के लिए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन आया है, और ये आपके लिए एक ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है, एक लकी डे दिखाई दे रहा है। फुल मून आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आपके पास नए तरफ से ऑप्शंस आ रहे हैं,
सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर का भी हो सकता है, सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चेंजेस आपके फ्यूचर बेटरमेंट की तरफ आपको लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जितने भी नंबर टू वाले थे आपके लिए मैसेज एज पर योर प्रोफेशनल लाइफ का आया है, दैट इज़ इट्स योर टाइम। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपके हैं, गेट लकी, मेक मोर मनी, मेक मोर टाइम, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है जो आपके इस मुश्किल घड़ी को एक पॉजिटिव यू नो वे को एक अच्छा नज़रिया या एक अच्छा बदलाव देने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ फॉर द पीपल जिन्होंने नंबर थ्री ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर थ्री ऑप्ट करा है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वन, मेकिंग वर्क फन। डिवाइन कह रहे हैं बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग है, और जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अप डाउन हो रही हैं। हो सकता है जो आपने सोचा हो, जो आपने चाहा हो, वैसा अभी नहीं हो रहा होगा, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक बार में बहुत चीज़ें करना चाह रहे हो, आप एक बार में मल्टीपल गोल्स पर ध्यान देना चाह रहे हो, आप एक बार में मल्टीपल इंटेंशंस पर काम करना चाह रहे हो, जो आपके लिए एक गलत बात है। सो पाइल नंबर थ्री, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, अफर्मेशंस ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करिए। फॉर पाइल नंबर फोर के लिए क्या मैसेज आया है एंजल्स का, पाइल नंबर फोर के लिए आया है टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्डवर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशंस। ओके, ये समय है एंजॉयमेंट का, ये समय ऐसा लग रहा है फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज लग रही है। एक सेलिब्रेशन का टाइम, इंजॉयमेंट का टाइम, यू नो यू आर गोइंग टू स्पेंड अ ब्यूटीफुल टाइम विथ योर पार्टनर, जो इंडिकेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है फॉर नंबर फोर। एक अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिख रही है, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में अच्छा बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है, ड्रास्टिक चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपके लिए चीज़ों को स्टेबल करेगा, जो आपके लिए चीज़ों को बेटर करेगा। यू आर रियली गोइंग टू सेलिब्रेट दिस एनर्जी, और ये फुल मून आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ देकर यू नो देकर जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल नंबर फोर। लास्ट पाइल नंबर फाइव, जिन्होंने नंबर फाइव ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज एंजल्स, जिन्होंने नंबर फाइव ऑप्ट करा है ओके, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। आपके साथ सडन में कुछ भी हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे। कोई भी ड्रास्टिक चेंज आकर चीज़ों को हील कर सकता है, कोई भी सडन सिचुएशन होकर चीज़ें बैलेंस कर सकती है। आपको रेडी रहना पड़ेगा और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। चीज़ों में बेटरमेंट दिख रहा है, चीज़ों में यू नो पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। बॉटम डेक देख लो, ऐसा लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर गोइंग टू इन्जॉय डिवाइन को, ये सबके लिए है। एक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा यू नो हैप्पी रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को हाई रखने की कोशिश करें। क्लियरली मैसेज आ रहा है सबके लिए दैट किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड परफॉर्म करोगे, उतनी जल्दी पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव ग्रोथ आपको आने वाले समय में दिखना शुरू होने लग जाएगी। नंबर फाइव, रेडी रहिए फॉर चेंजेस, रेडी रहिए फॉर एक्सपीरियंसेस, रेडी रहिए आगे बढ़ने के लिए, नए चेंजेस को लेकर आने के लिए, नए एक्शंस को बिल्डअप करने के लिए। सडन में कोई ना कोई चीज़ें यू नो पॉजिटिव हो सकती है और अच्छे बदलावों की तरफ आप पहुँच सकते हो।
तो या आज मैंने सोचा क्यों ना इस डेक से आप सब लोगों को एक मैसेज दिया जाए। कोशिश करूँगी अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ ताकि आप सब लोगों को भी एक क्लियर मैसेज पहुँचे, क्लियर इंडिकेशन पहुँचे और आप चीज़ों पर पॉजिटिवली वर्क कर पाओ। सो गाइज, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत ही लॉन्ग रीडिंग्स कर दी है, जी हाँ, वरना यूजुअली मैं शॉर्ट रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन फुल मून है, खास दिन है, डिटेल फॉर्म में आज मैंने सब कुछ समझाया है, तो चिंता ना करें। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करें, मेक योरसेल्फ मोर पॉजिटिव, मोर एनर्जेटिक। आने वाला टाइम फेवरेबल है, पॉजिटिव है, बदलाव भी बहुत जल्दी देखने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी फुल मून डे। बेलीफ रिचुअल ज़रूर करें, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें, खुद की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हाई रखें। जितना डाउन होगे चीज़ें उतनी ज़्यादा नेगेटिव होंगी, जितना डाउन होगे उतना और नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। सो इट्स हाई टाइम टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव, वर्क ऑन द एनर्जीज एंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। नंबर थर्ड, आज रात को 8 बजे मेडिटेशन पोस्ट करूँगी फॉर फुल मून, आप उसे करना ना भूलें। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों पर पॉजिटिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और अच्छे बदलाव आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस डे, हैप्पी फुल मून डे टू एवरीवन। अपना ख्याल रखें, रात को 8 बजे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। रीडिंग्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे।